अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एफबीआर ने इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटीज को मर्ज करके एक सिंगल न्यू टैक्स लाकर ड्राफ्ट प्रिपेयर किया और वो फेडरल गवर्नमेंट को पेश करने जा रहे हैं ताकि इस बजट में इस नए टैक्स ला की असेंबली से बजट सेशन में अप्रूवल हो सके। वफाकी हुकूमत ने टैक्स नेट को वसत देने और कारोबार में सहूलत के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स एक्ट और फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट को यकजा करके एक कानून मुतारिफ करने का करवाने का असूली फैसला कर लिया है। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक नए कानून के इनलैंड रेवेन्यू कोड मुतारिफ करवाए जाएंगे जो कि मुल्की मईशत के लिए एक इनकलाबी इकदाम साबित हो सकता है। ताहम हतमी फैसला वजारत खजाना, वजीर अजम और वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद ही होगा। एफ बी आर जराये का मजीद ये कहना है कि नए मुजवजा कानून में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स एक्ट और फेडरल एक्साइज ड्यूटी को यकजा करके तीनों टैक्सों के लिए एक कानून होगा जिसे टैक्स दहिंदगान और मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी और सरमायाकारों और कारोबारी बरादरी को सहूलत मुयसर आएगी और पाकिस्तान में कारोबारी करने में आसानियां पैदा होंगी, क्योंकि मुस्तकबिल में सरमायाकारों और टैक्स दहिंदगान को तीन कानून के बजाय एक ही कानून से मुआवनत मिल सकेगी और इसी से एक मुजवजा कानून के जरिए टैक्स दहिंदगान तीनों टैक्सों से मुतल्लिक मसाइल हल हो सकेंगे। एफ बी आर जराये का मजीद कहना है कि मुजवजा कानून में शरायत और सख्ती को भी कम कर दिया गया है, बुनियादी तशरीहात डेफिनेशन भी एक हो जाएंगे। इस कानून के साथ पाकिस्तान कस्टम टैरिफ कोड्स की तर्ज पर इनलैंड रेवेन्यू कोड्स भी मुतारिफ करवाए जाएंगे जिससे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह और इससे मुतल्लिक दीगर मालूमात एक ही कानून में दर्ज हो सकेंगी। एफ बी आर के सीनियर ऑफिसर्स ने बताया कि जुमे को चेयरमैन एफ बी आर डॉक्टर मोहम्मद इशफाक अहमद की जेर सदारत एफ बी आर हेडक्वार्टर में होने वाले अहम इजलास में नए कानून के मसौदे और इनलैंड रेवेन्यू कोड्स के मसौदे का जायजा लेकर इसकी असूली मंजूरी दी गई। ताहम अब इस मसौदे को हतमी शक्ल देकर वजारत खजाना को भिजवाया जाएगा और वफाकी वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल को दौरा वाशिंगटन से वापसी पर इन्हें इस हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी जाएगी। एफ बी आर जराये का मजीद कहना है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तजवीज और कोशिश है कि आइंदा माली साल 2022-23 के वफाकी बजट में इनलैंड रेवेन्यू टैक्सों से मुतल्लिक नया कानून पेश कर दिया जाए। ताहम अब ये फैसला हुकूमत को करना है कि बजट में फाइनेंस बिल के जरिए पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद 1 जुलाई 2022 से इन नए कानून को लागू करना है या अभी इस पर मजीद काम करना बाकी है।